विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एक एग्जाम्पल है सॉल्व करना है इसे। गिवन है a⁴ प्लस a⁴ इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पर ये रियल नंबर है, ये का वैल्यू क्या आता है हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये इक्वल्स व्हाट, तो हमें गिवन है a⁴ प्लस a⁴ इक्वल्स 36। ठीक है, तो इसे हम सॉल्यूशन में अगर हम चेंज कर लेके अगर लिखा तो इसे हम 3 होल टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते, तो a⁴ ही बनते। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर a⁴ को भी a⁴ होल टू द पावर ऑफ 2 हम लिख सकते हैं। आगे का ये 36 या यूजुअल भी हम लिख सकते हैं। तो क्या चेंज किया, a⁴ को a⁴ होल टू द पावर ऑफ 3 भी किया, प्लस ऑफ a⁴ को a⁴ इंटू स्क्वेयर किया। तो ये a⁴ स्क्वेयर मीन्स a⁴ बनता है, a⁴ होल क्यूब मीन्स a⁴ बनता है। यहाँ पर a⁴ इधर भी है, यहाँ पर a⁴ दोनों तरफ है। तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे a⁴ इज इक्वल्स टू सपोज x। a⁴ के जगह में हम x हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब ये बनते हैं a³ की जगह में हम x लिया तो x एज यूजुअल इसमें x की जगह में या a³ एज यूजुअल रहेगा, प्लस इसके जगह में x रख लिया तो स्क्वायर एज यूजुअल रख लिया तो x² बनेगा। दिस इक्वल्स 36। अभी देखो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन हो गया, तो इसे हम x² x⁴ प्लस x⁴ ये 36 एट साइड में लाओ तो -36 होता है। दिस इक्वल 0। ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। और इस क्यूबिक इक्वेशन से हम 2-3 टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन है, मिलने के बाद यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस रहेगा। तो 3 अगर सॉल्यूशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले का सॉल्यूशन हम चेक करेंगे क्या होता है वो। हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें 1 सॉल्यूशन मिलेगा। तो इससे हिट एंड ट्रायल से कैसे मिलते हैं, तो जो इक्वेशन है इधर ये एक्सप्रेशन अभी इक्वेशन ही बन गया x³ प्लस x² माइनस 36 इक्वल्स 0 है। तो इस इक्वेशन में अगर हम सबसे पहले अगर 1 पुट किया x के वैल्यू तो ये 1³ बनता है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दो तो x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वल्स आ रहा है क्या, देखो अगर दोनों इक्वल्स सेम हो गया तो वो उसका एक सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर 1³ मीन्स 1 प्लस 1² मीन्स 1 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नहीं, ये 0 नहीं होता, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इससे क्या पता चला, x इक्वल्स 1 अगर हम लिया तो इसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। तो x का वैल्यू अभी 2 लेकर देखो तो सेटिस्फेक्शन होता है क्या, देखेंगे। तो इसमें x का वैल्यू 2 रखो तो 2³ प्लस 2 रखा तो 2² माइनस 36 इज इक्वल्स 0। 2³ मीन्स 8 होता है, प्लस 2 4 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 4 बनते हैं, ये माइनस 36 इज इक्वल 0। 9 ये दोनों मिलाए तो 12 होते हैं, 12 माइनस 36 इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ए भी x इक्वल्स 2 भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट x इक्वल्स 3, ऐसे जब तक वो सेटिस्फेक्शन इस इक्वेशंस को नहीं होते। अभी हम ऐसे ट्राई करते जाएंगे। x इक्वल्स 3 से देखो, तो इस इक्वेशन से x का वैल्यू 3 रखो तब ये x³ मीन्स 3³ प्लस x² मीन्स 3² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 3³ मीन्स 27 होता है, प्लस 3² मीन्स 9 होता है, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों अगर प्लस किया तो 36 माइनस 36 एज यूजुअल इक्वल 0। यस, 0 इक्वल 0। यस, तो इसका मतलब x इक्वल्स 3 है, ये इस इक्वेशंस का एक रूट है। जो x इक्वल्स 3 है ये हमें एक वैल्यू मिला, तो इसका मतलब x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल्स 3 मीन्स x माइनस 3 इक्वल्स 0। ओके, तो ये एक x माइनस 3 जो ये है इस इक्वेशंस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 का एक फैक्टर है। ओके, तो x माइनस 3 इस इक्वेशंस का जो ये मैं मार्क करता हूँ, इस इक्वेशंस का ये x माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 3 इस इक्वेशंस का फैक्टर है। इसका मतलब एक को तो वैल्यू मिला, अभी बाकी का जो बचा है दो वैल्यू, उसके लिए हम ये जो फैक्टर है ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 का जो है इसे हम एक्स माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तभी वो दूसरा भी आ सकता है। तो इससे दो तीन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम अभी करेंगे, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी हम कर सकते हैं, दो तीन टाइप से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें आज हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। ओके, अगर हमें इसे x इक्वल्स 3 मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक फैक्टर हो गया। यहाँ पर क्या कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम इसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरी टाइप से भी हम कर सकते हैं, दो तीन तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड 2-3 बार किया है हम, तो हम आज सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए, यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स का एक टर्म यहाँ पर मिसिंग है, तो इसके लिए हम सब टर्म हमें डिवीजन में कर रहे हैं तो सब टर्म चाहिए। सबसे पहले वो ये नोट डाउन कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मिसिंग टर्म क्या है, एक्स नहीं है तो उसको 0 इंटू एक्स कर दो, तो 0 इंटू एक्स मीन्स नहीं रहे जैसे होते, तो नेगेटिव 36 लास्ट में नेगेटिव 36 कर दो। तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम अभी करेंगे, तो एक्स माइनस 3 यहाँ पर रखो, ठीक है। अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम करने के टाइम में पहले सबसे पहले जो अंदर का डिविडेंड है एक्स क्यूब, ये देखो, इसको एक्स से डिवाइड कर दो, जो भी फर्स्ट टर्म है उससे डिवाइड कर दो, तभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर रखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर से इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो और इसके नीचे रख दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मीन्स एक्स क्यूब होता है, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 मीन्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर बनता है, ठीक है। हो गया, अभी दोनों से हो गया। अभी यहाँ पर माइनस चेंज साइन चेंज कर दो, ये प्लस है माइनस कर दो और ये माइनस है या प्लस कर दो, तो यहाँ पर दोनों ऐड कर दो। अभी ये एक्स क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों कट हो गया, तो ये प्लस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 है समझ लो, तो यहाँ पर 1 है समझ लो, 1 प्लस 3 मीन्स 4 एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस आगे का 0 इंटू एक्स और नेगेटिव 36 या सॉल्व, ठीक है। ये जो 4 एक्स स्क्वायर है, इसे हम x से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर चले जाएगा, ये एक चलेगा, 4 इंटू एक्स रिमेनिंग रहेगा यानी पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या कर दो, पॉजिटिव 4 एक्स रखो, तो और ये पॉजिटिव 4 एक्स से इन दोनों को हर एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, आए सो आंसर इसके नीचे रख दो, 4 एक्स इंटू एक्स मीन 4 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स इंटू माइनस 3 मीन्स माइनस 12 एक्स, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं है अभी, और उसका ऐसा खाली साइन चेंज कर दो, ए प्लस से माइनस कर दो, माइनस से प्लस कर दो, तो अभी ये दोनों निकल जाएगा, तो 0 एक्स प्लस 12 एक्स मीन्स प्लस 12 एक्स ही रहेगा, ये नेगेटिव 36 आगे का जोड़ दो इसको। अभी लास्ट में बचा 12 एक्स माइनस 36, इसको एक्स माइनस 3 से डिवाइड कर दो, तब क्या करता है, ये 12 एक्स है ना, इस 12 एक्स को डिवाइडेड बाई एक्स से कर दो, तभी ये दोनों कट हो गया, तो ओनली पॉजिटिव 12 रहेगा, तो पॉजिटिव 12 यहाँ पर प्लस 12 यहाँ पर ले लो, यानी कोशेंट में ये प्लस 12 से दोनों को एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12 इंटू एक्स मीन्स 12 एक्स माइनस 12 इंटू 3 मीन्स 36। ओके, अभी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव कर दो, बस निकाल दो, अभी ये दोनों कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ये है रिमाइंडर। जब तक रिमाइंडर आता है तब तक करना है। तो यहाँ पर अभी एक क्वोशेंट है, ये हमें मिला है x² + 4x + 12, x² + 4x + 12 = 0। ये मिल गया हमें इससे डिवीजन करने से। तो इससे ये एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर x - 3 = 0 एक मिला, इसका फैक्टर, और दूसरा क्या मिल रहा है x² + 4x + 12 = 0, ये दो मिला। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें x² + 4x + 12 = 0 मिला। एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। तो x - 3 = 0। तो ये राइट साइड में लाओ, तो x यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। लेकिन हम सब्स्टिट्यूट किया है x³ ये बाद में लेंगे, पहले फर्स्ट इसका सॉल्व करेंगे। तो x² + 4x + 12 = 0। यहाँ पर अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर ax² + bx + c = 0 जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, उससे अगर हम कंपेयर किया तो a = 1 आ जाएगा, b = +4, c = +12, ओके। तो ये x = -√(b²-4ac/2a) जो क्वाड्रेटिक का फार्मूला है, इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू पुट किया तो ये हम x का वैल्यू हमें मिलेगा। लेकिन हम इससे पहले क्या करेंगे, हमें ये इज़ रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें सबसे पहले वो पता करेंगे। तो वो बनते हैं b² - 4ac से, यानी डेल्टा से। डेल्टा इक्वस b² - 4ac, वो क्या आता है देखेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट। दिस इक्वल्स b² - 4, 4² - 16 होता है, × 4 × ये मीन्स 1 होता है, × c = 12, ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल्स 16 - 4 × 1 × 12 मीन्स 48 बनता है। दिस इक्वल 16 - 48 में -32 बनता है, यानी डेल्टा क्या आ रहा है, -32, नेगेटिव में आ रही है। तो कौन से भी अगर वैल्यू अगर डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आया तो यहाँ पर नो रियल सोल्यूशंस मिलेगा हमें, रियल सोल्यूशन नहीं रहेगा इसमें। तो इसमें क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस मिलेगा हमें, ओके। तो इसलिए हम इसे, यहाँ कंडीशन क्या है, रियल सोल्यूशन ये, इसलिए यहाँ पर नो रियल सोल्यूशन मिल रहे, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे। इसे रिजेक्ट करके ओनली इसको एक्सेप्ट करेंगे, ओके। तो x = 3 हमें मिला, ये एक्सेप्ट किया, इसे अभी निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हम सब्स्टिट्यूट किया है x का वैल्यू a³, तो यहाँ पर रिकॉल कर दो, है ना, रिकॉल a³ = x। तभी a³ = x अगर रिकॉल किया तो ये a³ = x का वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 करेंगे। तो a³ हमें चाहिए a का वैल्यू, तो यहाँ पर a³ है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूबिक रूट ले लो दोनों तरफ, तब ये क्यूबिक रूट और क्यूब निकल जाएगा। तो ये = क्यूबिक रूट ऑफ 3 रहेगा, और इसे 3 to the power 1/3 भी बोल सकते हैं। तो ये का वैल्यू क्या आ रहा है, क्यूबिक रूट 3 और 3 to the power 1/3, ये दोनों इसे बोल सकते हैं। क्या मिला आंसर इसका, क्यूबिक रूट 3, और इसे हम 3 to the power 1/3 भी हम लिख सकते हैं, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।